एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त तीनों तरफ व्यू। ये व्यू, ये भी फॉरेस्ट जोन है, पीछे माथेरान है और ये भी फॉरेस्ट जोन का जगह है, तो ये पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा लाइफ टाइम। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों को जो प्रॉपर्टी दिखाएंगे और आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट रहता है, मेनली स्कूल कॉलेज वगैरह नियर बाई चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो तो आप मार्केट देखते हो, स्कूल कॉलेज वगैरह देखते हो, मेन हाईवे पे कोई प्रॉपर्टी देखते हो, तो इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये एकदम परफेक्ट होगा। तो ये है हाजी लियाकत इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, यहाँ पर देख सकते हो। और हम आपको लाइव डिस्टेंस दिखाएंगे कि कितना डिस्टेंस पर वो प्रॉपर्टी है और कहाँ पर है। तो ये हो गया अपना हाजी लियाकत इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। यहाँ पर देख सकते हो ये आजू बाजू पूरा डेवलप्ड है, होटल्स वगैरह है, यहाँ पर रिसोर्ट रेस्टोरेंट वगैरह है। और हम अभी करजत कल्याण जो हाईवे है उसी हाईवे पे, ये फोर लाइन हाईवे है ये, लेकिन ये एक्सपांड भी होने वाला है। यहाँ पर और सारा आप लोगों को नेसेसरी चीज़ें जैसे कि सीएनजी पंप, ये देख सकते हो बाजू में ही सीएनजी पंप है। और इसके बाद ये एक रिसोर्ट है, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोल पंप है नेरल का, यही सीएनजी पंप, यही पेट्रोल पंप, ये सब नेरल वेस्ट में आता है। और सामने ही तो नेरल स्टेशन है। ये जो हम अभी क्रॉस किए हैं ये माथेरान का जो टॉय ट्रेन है उसका फटक है। पीछे हम एक स्कूल और रिसोर्ट और अपना सीएनजी पंप पेट्रोल पंप छोड़ के आए हैं। अभी सामने आप देख सकते हो इस साइड में बुरहानी पार्क करके बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ये देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इसका गेट यहाँ से है, मतलब पूरा डेवलप्ड एरिया है, अच्छा एरिया है और एकदम माथेरान को लगकर है ये एरिया। और राइट साइड में आप देख सकते हो एक मैरिज हॉल अभी अभी आया है, मेरा ख्याल से 6-8 महीना हुआ है, तो एक बड़ा मैरिज हॉल है उसको लगकर आप देख सकते हो लियस इंग्लिश हाई स्कूल है। ये देखिए बहुत सारा गाड़ी यहाँ पर है, बच्चे है, स्कूल के बच्चे, अभी छुट्टी का टाइम हुआ। और इस साइड में शर्विल इंग्लिश स्कूल है सीबीएसई बोर्ड का, तो ये सारे गाड़ी सारे बसेस वगैरह स्कूल के लिए है। और सामने प्रोजेक्ट है ये देखिए, तो ये प्रोजेक्ट का सामने बहुत बड़ा जगह है, आप लोग देख सकते हैं तो गार्डनिंग किया हुआ है। और सामने हाईवे है और इसके बाद ये सब फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट जोन है, मतलब आपका जो व्यू है ये फ्रंट साइड का बिल्डिंग का जो फ्रंट का जो व्यू है ना, ये कभी ब्लॉक नहीं होने वाला है क्योंकि फॉरेस्ट जोन है, कभी ज़िंदगी में बिल्डिंग नहीं बनेगा, इस साइड में भी बिल्डिंग नहीं बनेगा, एकदम ग्रीनरी रहेगा, उस साइड का फेसिंग भी अच्छा है। और ये अपना रोड फेसिंग प्लस माउंटेन फेसिंग, और यहाँ पर वाटरफॉल भी दिखता है, अभी बारिश नहीं है तो नहीं दिख रहा है, हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, मेरे ख्याल से माइक में प्रॉब्लम होगा। और इस तरफ पूरा माथेरान का माउंटेन दिखता है, तो लोकेशन एकदम बेस्ट है, जैसे कि मैं आप लोगों को सारे लोकेशन दिखा के आया हूँ। अभी आपको अंदर जाके फ्लैट दिखाऊंगा। यहाँ से एक डीपी प्लेन है जो मेन रोड से है ना, मेन रोड से आपको अंदर की तरफ जाती है, स्टेशन के लिए अलग से एक रोड मिलेगा, तो आपको घूम घूम के जाने का ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट का पीछे से स्टेशन के लिए आप जा सकते हो, रोड तैयार है, अभी बंद किया गया है। और यहाँ पर पूरा कमर्शियल शॉप्स है और फर्स्ट फ्लोर पर पूरा ऑफिसेस है, तो सब सोल्ड आउट है मोस्टली, कुछ ही फ्लैट्स अवेलेबल है, आपको मैं दिखा दूंगा एक दो इन्वेंट्री। ये जो दो तीन शॉप्स है ये भी सेल करने के लिए है, रीसेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों शॉप्स अगर किसी को चाहिए, थोड़ा छोटा साइज का है, अगर एक साथ दोनों तीनों ले के कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसका फ़ोटो वगैरह मैं सेंड कर दूंगा, वीडियो वगैरह है मेरे पास। तो जो बिल्डिंग है ये स्टील प्लस 7 का है, ये अपना ए बी सी तीन बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग का तीन विंग रेडी है, रेडी टू मूव में है। फ्लैट आज बाई करते हो तो अभी अभी पोजेशन भी आपको मिल जाएगा। और इसका पीछे जो बिल्डिंग्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में फ्लैट चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन का हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है फिलहाल, तो इसमें आप फ्लैट ले सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन में बुकिंग करके आप स्लैब वाइज पेमेंट या तो अलग अलग पेमेंट प्लान है वो भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट काफ़ी हाइट का ऊपर है, आप लोग देख सकते हो रोड किधर है, हाईवे बहुत नीचे है, उसके बाद ये ज़मीन वगैरह बहुत नीचे है और हम बहुत ऊपर है, यानी कि इसका जो 7 फ्लोर रहेगा वो आदर्श प्रोजेक्ट का कंपेयर में आप 9 या 10 कंपेयर कर सकते हो। उधर 7-7 माले का बिल्डिंग आप देख सकते हो कितना नीचे है, यहाँ से स्कूल दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो ये शर्विल स्कूल है, लियस इंग्लिश स्कूल है, मतलब बिल्डिंग का ऊपर से और ज़्यादा दिखेगा, स्कूल कब छुट्टी हो रहा है, स्कूल कब स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ आपका फ्लैट का अंदर से दिखेगा, इस फेसिंग का फ्लैट लेंगे तो मोस्टली जो फ्लैट हमारे पास बचा हुआ है वो अंदर का फेसिंग का भी है, लेकिन इधर का जो फेसिंग है इससे भी आपका ये माउंटेन वगैरह दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा गार्डन है,
यानी कि ये जो तीन बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, इसका बीच में ये गार्डन है। ऐसा ही बनते जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है ना उसमें भी शॉप दिया गया, यानी कि इस बिल्डिंग में भी शॉप है, इस बिल्डिंग में भी शॉप है, तो शॉप्स का लाइन रहेगा ऐसा, एकदम स्टेशन तक जाएगा। तो ये रोड है, इसके लिए शॉप्स दिया गया यहाँ पर, आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, उधर से भी एंट्री ले सकते हो, ऐसा बीच बीच में गार्डन, क्लब हाउस, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ऐसा सब एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट का अंदर मिलेगा। और जैसे कि ये बिल्डिंग नंबर 1 है, तो इसका 3 विंग है, ए बी सी ऐसा करके। तो ए विंग का ये लॉबी है, बी विंग का बीच में है, और सी विंग का लॉबी इस तरफ है। तो अभी पोजेशन का टाइम है, काफ़ी सारे लोग रहने के लिए भी आ रहे हैं, फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा है फ्लैट का अंदर। आपको भी अगर चाहिए तो तुरंत आप पेमेंट करके, लोन करके पोजेशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो नीचे स्टील पार्किंग वगैरह है, प्रॉपर पार्किंग दिया गया है, ओपन पार्किंग है, सब कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी आपको सी विंग का फ्लैट दिखाते हैं। तो सी विंग का अंदर हमारे पास चौथा फ्लोर पे, पांचवा फ्लोर पे दो फ्लैट अवेलेबल है, एक 2 BHK का, एक 1 BHK का, मैं दोनों दिखाऊंगा अलग अलग वीडियो में। ये इसका लॉबी रहेगा सी विंग का, देख सकते हो आप, इस तरफ इसका अपना स्टेयर केस है, ये एक स्टेयर केस है, ये एक स्टेयर केस है, सफाई वगैरह का काम चल रहा है, क्लीन किया जा रहा है, और इस तरफ लिफ्ट है, लिफ्ट टोटली ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हो, और स्पेस भी काफी अच्छा है लिफ्ट का, ये देखिए, और ब्रांडेड क्वालिटी का लिफ्ट यूज किया गया। अगर आप लोग मेन रोड फेसिंग में, यानी कि ये जो फेसिंग आपको जो नजर आ रहा है, इस फेसिंग में फ्लैट चाहिए, तो 2-3 फ्लैट अवेलेबल है आज के टाइम में, तो आपको मिल जाएगा। ये चौथा फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर का ऊपर एक 2 BHK है, और फिफ्थ फ्लोर पे एक 1 BHK है। तो इस वीडियो में आपको 2 BHK दिखा रहा हूँ। इसका ये जो है ये बालकनी है 2 फिट का, और सामने व्यू आप लोग देख सकते हो, ये व्यू जिंदगी में कभी ब्लॉक नहीं होएगा, क्योंकि सामने माथेरन का व्यू है और ये फॉरेस्ट जोन है, तो आपको कंप्लीट 100% नेचुरल व्यू और वाटरफॉल का व्यू मिलेगा। और ये लिविंग का है एरिया है, आप देख सकते हो, 915 स्क्वायर फीट का फ्लैट है ये, लिविंग काफी स्पेशियस है, विथ एल शेप में है, ठीक है। इस तरफ देखिए डाइनिंग का अरेंजमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लिविंग है ये एल शेप में है। एक बहुत ज्यादा अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ कर इस प्रोजेक्ट का अंदर जो क्वालिटी यूज किया गया ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, ये बताना बहुत जरूरी है। लोग आपको फ्लैट बेचते हैं, बिल्डिंग में बिल्डिंग बना के बेच देते हैं, लेकिन आप रहने वाले हो तो आपको क्वालिटी देखना भी इम्पोर्टेंट है, कि बिल्डर ने कौन सा कंपनी का फिटिंग्स लगाया है, कौन सा कंपनी का लॉक एंड डोर वगैरह लगाया है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो लॉक है ना दोस्तों, ये कोई भी बिल्डर ने आज तक मैंने नहीं देखा ये लगाया है करके। तो इस कंपनी का नाम है यूरोपा, और इसका जो फिटिंग है ना दोस्तों, सब आपका सेरा का है, यानी कि बहुत अच्छा फिटिंग मिल रहा है आप लोगों को, जेगुआर सेरा ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। और ये है इसका किचन, किचन का प्लेटफॉर्म देखिए कितना लंबा है, ये देखिए। तो आप यहाँ पर एक जन, यहाँ पर एक जन, यहाँ पर 3-4 जन आराम से यहाँ पर खाना बना सकते हैं, काम कर सकते हैं एक साथ। इस तरफ आपका टाइल्स लगाया गया, ये जो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस तरफ आप फ्रिज लगा सकते हो, फ्रिज का आपका बोर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन आप बाहर रख सकते हो, इधर भी स्पेस दिया गया है, ड्राई स्पेस, ये देख सकते हो, वाटर का कनेक्शन दिया गया, ये देखिए। ये किचन के साथ ये एक बेडरूम है, इसका भी जो बालकनी है ये भी कनेक्टेड है, और हम डायरेक्ट दिखा देते हैं आपको, ये जो बालकनी है ये बड़ा है, ये बेडरूम का बालकनी जो है ना ये बड़ा है, और यहाँ पर मतलब आप सोफा वोफा लगा सकते हो, या तो बैठ के आप आराम से ये व्यू एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त, तीनों तरफ व्यू। ये व्यू, ये भी फॉरेस्ट जोन है, पीछे माथेरन है, और ये भी फॉरेस्ट जोन का जगह है, तो ये पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा लाइफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये व्यू के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। नेरल जो जगह है, नेरल जो लोकेशन है, लोग यहाँ पर मोस्टली मुंबई से ये व्यू देखने के लिए, यहाँ का पहाड़, माथेरन, माउंटेन, ये सब देखने के लिए आते हैं, वेकेशन के लिए ज्यादातर आते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वेकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो एकदम वेकेशन टाइप का है। और दूसरा चीज, अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह, मार्केट वगैरह सब कुछ नियर बाई है, ठीक है। चलिए अभी बाकी चीज आपको दिखा देते हैं। तो आपको ये बता रहा था मैं, यहाँ पर कपड़ा सुखा सकते हो, काफी अच्छा जगह है, और यहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो, वाटर का कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है। अभी आते हैं वॉशरूम में। तो ये है वॉशरूम, काफी बड़ा वॉशरूम है, देख सकते हो आप, ये कॉमन वॉशरूम है, इसका टाइल्स क्वालिटी वगैरह आप लोग देख सकते हो। ये जो फिटिंग्स है ना दोस्तों, सब सेरा का है, ये देख सकते हो, यहाँ पर ब्रांडिंग है सेरा का, CERA।
ये भी क्वालिटी आपको देख के लेना चाहिए। ये जो है ये अपना पैनल नहीं है, ये भी वुडन डोर लगाया गया है। ये है कॉमन बेडरूम, बेडरूम का भी स्पेस काफी अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। मतलब ये छोटा वाला बेडरूम है, वो मेन बेडरूम रहेगा, इसमें भी बालकनी आपको पहले ही दिखा दिया। आइए, यहाँ से अपना मास्टर बेड स्टार्ट होता है। ये मास्टर बेड का डोर है, ठीक है। यहाँ पर काफी अच्छा पैसेज का जगह मिलता है। और इस तरफ राइट हैंड साइड में आपका वॉशरूम है, ये भी कंबाइंड वॉशरूम है, टॉयलेट एंड बाथरूम दोनों है। और इस तरफ आप आइए, ये है बेडरूम, ठीक है। अच्छा, बेडरूम के साथ यहाँ पर एक चीज और है, वार्डरोब का अलग से 2 फीट का जगह वार्डरोब के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज और देखने लायक चीज है, जो कि मस्क्यूटो नेट, ये देख सकते हो आप, ये 3 स्लाइडिंग के साथ एक मस्क्यूटो नेट भी लगाया दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ बेडरूम में नहीं, हॉल में, किचन में, हर जगह में ये मस्क्यूटो नेट दिया गया है। और ये है अपना बालकनी, ये तो पहले भी दिखा दिया। तो ये जो फ्लैट है, टोटल इसका एरिया है 915 स्क्वायर फीट। और आपको ऑल इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन के साथ, स्टम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, GST, डेवलपमेंट चार्जेस, सब चार्जेस के साथ वो 36 लाख तक जाता है, ठीक है। अगर आपका बजट है इस वाला फ्लैट के लिए, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आपका बजट 1 BHK के लिए है, तो आज मैं आप लोगों को एक 1 BHK का भी फ्लैट दिखा दूंगा, आपका पसंद आएगा और आप 1 BHK भी ले सकते हो, बजट थोड़ा कम है तो। तो यहाँ पर मोस्टली करके 2 BHK जो है, अगर अंदर साइड में लेंगे 2 BHK, यानी कि ये तो प्राइम लोकेशन का प्राइम फ्लैट है, अगर आप लोग अंदर साइड का 2 BHK लेंगे, उतना ही एरिया 915 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेंगे, तो मैं आपको 32-33 के करीब भी दे सकता हूँ। लेकिन ये प्राइम लोकेशन का प्राइम फ्लैट है, तो इसका कॉस्टिंग जो जाता है वो 35-37 तक जाता है फ्रंट साइड का फ्लैट, पीछे का फ्लैट थोड़ा कम है। और 1 BHK हमारे पास जो है वो 22 से लेके 25-26 का बजट में है। तो मैं आपको 1 BHK का भी फ्लैट दिखा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।